जो बोला गया था कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ था। लेकिन आज सभी को मालूम है, मतलब ऑलमोस्ट जो फाउंडर्स रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं उनको क्लियरली मालूम है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। मतलब उन्होंने जैसा बोला था एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, जो एक्स का एग्जाम्पल दिया, नाइफ जो एक्स को झाड़ काटने का, मैं रिपीट करना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में, जो मेरा वीडियो में भी मैं डाला है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शार्पनिंग द एक्स मतलब हम लोग जो हमारा औजार है काटने वाला, झाड़ को काटने वाला, उसको कैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बहुत जबरदस्त वे से बताया कि ये चार साल हमने हमारा औजार को सिर्फ धार लगाया। लोग बोल रहे थे भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज, जितना पावरफुल और इतना जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने बताया था, ये स्टोरी मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उनके मुंह से और उनका एग्जाम्पल जिन्होंने जैसे उन्होंने कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी बोलते थे कि भाई ये तो सालों साल चलने वाला है, ये फाउंडर्स को बनाने का जो इनका काम है या इनका रिचुअल है, इनका जो है ये कभी बंद नहीं होने वाला है। और खुशी की बात है कि गेट क्लोज्ड है एंड वी आर यूनिक, मतलब हमारे जैसे फाउंडर्स अभी और नहीं बन सकते। तो वैल्यू तो ऐसा ही अप हो गया, लेकिन वैल्यू अप होने के बाद, वैल्यू अप होने के बाद ये जो मीटिंग था इसमें कितना पॉइंट, मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जो फील हो रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है इतना, वो मैं बताऊंगा कि ये उन्होंने डायरेक्टली बताया, ये टेक ऑफ स्टेज था। और टेक ऑफ जब स्टेज होता है, ये धार वाला सिंपल एकदम चीज है, दो आदमी को बोला था कि भाई ये आप 8-10 घंटे में ये झाड़ को काटना है, और दोनों लोग काम पे लग गए, लेकिन दोनों का काम अलग था। एक आदमी भाग के गया और सीधा झाड़ को काटने लगा, धनाधन धनाधन पूरा जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, ठाक 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 मार रहा है, और दूसरा आदमी कुछ ने अपने कोने में बैठ के वो धार लगाने का पत्थर लेके अपना एक्स को धार लगा रहा है, और वो जो काट रहा है वो, और उसके साथ जो लोग थे बोलता है क्या है ये, देख इसका क्या बनने वाला है, कभी झाड़ काटेगा, 10 घंटे के बाद चालू होगा, ये क्या है पागल है, इसको झाड़ काटने को बोला तो ये धार लगा रहा है। तो आप बात को समझो, ये धार लगाने वाली बात, जो चार साल में हमको कभी पत्थर नहीं मिला, पत्थर जो मिला वो बराबर नहीं मिला, कभी पत्थर रिप्लेस किया, कभी एक्स रिप्लेस किया, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि ये एक्स को एकदम शार्पन कर चुका है, हम लोग इतना जबरदस्त धार उसमें आ गया है कि अभी कटिंग टाइम है। मतलब आप समझो इसका एग्जाम्पल में कि हमारा प्री लॉन्च ओवर हो गया, सब लोग पूछ रहा था कि प्री लॉन्च कभी स्टार्ट होगा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्री लॉन्च ओवर होगा। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि हमारा फेज इज क्रूजिंग फेज, क्रूजिंग फेज मतलब अगर एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है, जैसा एग्जांपल बताया, एक फ्लाइट अगर टेक ऑफ करता है उसको जो पेट्रोल लगता है 95% पेट्रोल वहां यूज होता है, और बाद में वो जब क्रूज करने लगता है तो अगर वो किलोमीटर के हिसाब से देखेगा तो इट इज ओनली 5% ऑफ द फ्यूल विच इज यूज्ड। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग ऑलरेडी क्रूज में आ गए। मतलब क्या, इसका मतलब जितना भी हार्ड वर्क था, टफ वर्क था, जो मेजर काम था, सल्यूट है सब फाउंडर्स को अपना पेशेंस रखने को, सल्यूट एच सर को है, उनका उनका फैमिली को है, और जितने लोग एग्रेसिवली होके यहाँ पर एग्रेसिव से ज्यादा पेशेंस रख के कंटिन्यूस बार बार लगातार एच सर अभी भी बार बार आ रहे हैं। पहले एक टाइम था जो एवरी थर्सडे आता था, और लोग उसका, मुझे तो एक ही सिर्फ एक ही था कि मैं जब उसको देखा तो मेरे को देखा कि ये सच्चाई है, और ये डंडील करके रखेगा, और ये डेफिनेटली लोगों को अगर बोलता है इट इज इन इट टू विन इट, मतलब उनके दिमाग में इतना सॉलिड चीज था, कुछ भी हो जाए मैं ये फॉर्मूला लॉन्च करते जाऊंगा। लेकिन जैसा फॉर्मूला, जैसा सोचा था, वो आगे जो बना वो इतना विशाल बनते गया, बड़ा बनते गया। लेकिन आप याद रखो, डिले हुआ था, लेकिन डिले में आपका कितना बड़ा फायदा हुआ। आप सोचो आज कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से हमारे पास 1.5 मिलियन लोग है, 15 लाख लोग अपन है, विच इज यूनिक। मतलब इसके आगे नहीं होगा तो सोचो एक साल के बाद, दो साल के बाद, अगर फाउंडर्स कौन है, आदमी को समझता है ये आदमी फाउंडर है, छोड़ो एलसी मेंबर ये तो सब हो गए फेमस, लेकिन हर एक फाउंडर यूनिक होगा, बिकॉज 15 लाख के सामने अगर 15 करोड़ लोग है तो ये 15 लाख यूनिक है। तो आप समझो आपका वैल्यू एवरी टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका वैल्यू डेफिनेटली वो लेवल पे जाने वाला है। तो ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो फ्लाइट का दिया या क्रूजिंग टाइम है, तो हम लोग को आराम करना है, कोई पूछता भी करना क्या है, करना वही है, क्या करना है एक्चुअली,
बैक ऑफिस, हमको चीज को समझना है। ये आपका मेंटेलिटी तो डायरेक्ट मार्केटिंग, मेरा भी वैसे ही था, थका हुआ, कहां पर भी प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हुआ, मेहनत तो हमने बराबर जबरदस्त किया था लेकिन निराश हो गए। यहां पर उन्होंने सॉल्यूशन लाया है और सॉल्यूशन कैसे ला पाया, बिकॉज वो खुद भी ऐसे ऐसे उसमें फंस गए हैं, किसी ने उसको फंसाया। और कभी देखे कि लोग मेहनत करना चाहते हैं, लोगों का इंटेंशन क्लियर होता है लेकिन कंपनी के साइड से ऐसा नहीं होता है। उन्होंने एक चीज सोचा कि इस बार मैं लोगों के लिए सोचूंगा और लोगों को ही साथ में बिल्ड करूंगा। उनका एक बात और अच्छा लगा मेरे को कि ऐसा ही नहीं, फाउंडर्स का तो लाइफ बन ही गया लेकिन अभी आगे क्या करें, कैसे करें। लेकिन उन्होंने जो रास्ता निकाला, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वेरी बिग, कि सर हमारे पास पैसे नहीं रहेगा तो हम टॉपअप कैसे करेगा, हम लोग तो गरीब है, कैसा ना कैसा करके हमने $97 हमने जुटाए हैं लेकिन अगर आप सडनली $300 मांगेंगे तो हम कहां जाएंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं था लेकिन मुझे यकीन था, क्योंकि एश पेपर सर जो भी करता है वो एक चीज देखते हैं कि आम आदमी इसमें कैसे कंफर्टेबल हो और कैसे इनको ये सिस्टम में हम लोग अंदर ले। लेकिन इतना जबरदस्त फॉर्मूला, जबरदस्त मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनाने वाले थे, पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करने वाले थे, तभी तो वो खुद को भी नहीं मालूम था। लेकिन फिर बाद में बैंगलोर में हम लोग ने डिसाइड किया खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन ये डिसाइड किया था 4-5 प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बाद में हम लोग इसको मार्केट करेंगे। लेकिन जैसा जैसा कारवा बढ़ता गया, उनका दिमाग बाद में विजुअलाइजेशन बढ़ता गया, उनको सामने प्रॉब्लम दिखता था उसका सॉल्यूशन भी सोचते गए और एक पूरा एंटायर इकोसिस्टम बताया। इंटरनेट मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग में जितना टूल्स लगता है, जितना प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते गए, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स भी बनते गया, स्क्रैप भी किया, टोटल बन के नया बनाया। लेकिन वो प्रोसेस में उनका दिमाग चलने लगा और वो प्रोसेस में उन्होंने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया है प्रोप्राइटरी, जो आपको मालूम है 2 महीने 60 डेज के बाद जो रिलीज कर रहे हैं 9 प्रोडक्ट्स। वो क्या है, वो 9 प्रोडक्ट्स क्या है, वो 9 प्रोडक्ट्स क्या है आपको समझने का है। डिसरप्टिव का एग्जांपल मैंने बताया, बहुत सारा एग्जांपल है। एक जमाने में जैसा कोडक का एग्जांपल दिया, अगर मेरे को फोटो निकालना है तो एक कैमरा लिया, हम लोग स्टूडियो गया या खुद के घर पे भी बैठा है तो हम लोग पूरा अरेंज करता है, भाई बाल ठीक करो, पल्लू ठीक करो, ये ड्रेस ठीक करो और वैसे करो, लाइट देखो, और एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया। फिर वो एक 26 का अगर 24 का रोल है तो एक रोल में से एक कम हो गया तो मिस्टेक नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर आप सोचो कि यहां पर अभी हम लोग खड़े खड़े 10-15-25 फोटो निकालता है, सेल्फी निकालता है, मैं भी निकालता हूं, उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करते, हमारे पास ऑप्शन आ गया। लेकिन कोडैक ने ये सोचा कि बॉस हम लोग इतने बड़े हैं, हमको कौन टकराएगा और ये तो जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डिजिटल फोटोग्राफी जब आ गया तो उनको कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि किसको जरूरत नहीं था, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी कोई रोल नहीं यूज करता है, वो डिजिटल पे आ गया तो उनका कार्यक्रम ओवर हो गया। मतलब अगर आपको समझना है, जैसा नोकिया का भी कार्यक्रम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं हाथ में लेते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं तो किसी का भी कार्यक्रम होता है, जैसा ट्रैवल में होता था पहले, अगर मेरे को ट्रैवल करने को जाने का, अगर मैं मुंबई से पुणे जाना है तो मेरे को कोई ट्रैवलिंग एजेंसी को पकड़ना पड़ता है, वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, टैक्सी का भी तकलीफ होता है। एक छोटा सा सोल्यूशन आया ओला, और अभी वो सस्ता भी है, अच्छा भी है, इफेक्टिव भी है, सब कुछ है, लेकिन दैट वॉज अ सोल्यूशन। ऐसा एस सर बोलते हैं, हमारा मेजर 9 प्रोडक्ट्स है जो डिसरप्टिव है, मतलब वो प्रोडक्ट आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसे वाले प्रोडक्ट्स का क्या हाल होने वाला है और मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकने वाला है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो एक बात मैं एकदम क्लियर बताता हूं आपको, यहां पर अगर वो प्रोडक्ट्स डिसरप्टिव है तो ये प्रोडक्ट्स लोग लेने वाले, मतलब अगर वो कुछ ना कुछ चालू है उनका, अगर ऑप्शन में हम लोग हमारा प्रेजेंट करता है तो वो लेगा ही।